हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ टेबल रनर। आप इसको टेबल रनर कह सकते हैं, आप इसको दस्तरखान कह सकते हैं, आप इसको वर्ल्ड डेकोर कह सकते हैं, आप इसको जो नाम देना चाहें। इस तरह से इसको तैयार किया गया है। और इसको ये देखिए, क्विल्ट किया गया है पूरा बनाने के बाद, तो इसमें ये डिज़ाइन पीछे भी आई है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और इसकी क्विल्टिंग जो है, इस कपड़े को पूरा फिक्स करने के बाद इसमें क्विल्टिंग की गई है, और पूरा सीधे सीधे क्विल्टिंग की गई है। और जो ये पैच आप देख रहे हैं, इसके जो ये पैच की कटिंग है, उसी के हिसाब से ये सारी क्विल्टिंग की गई है। और इसमें ये बीच में डिज़ाइन दी गई है। तो चलिए आज हम इसको बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। और ये बहुत इजी है बनाने में। देखने में हर चीज़ कठिन लगती है, लेकिन बनाने में बहुत इजी है। तो चलिए आज इसको हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको अपना टेबल रनर दिखाया, तो उसके लिए हमें सामान चाहिए 6 बाई 10 इंच के 15 पीस क्लॉथ के, और 32 इंच बाई 32 इंच का 1 पीस क्लॉथ, और 1 पीस फोम चाहिए होगा। 9 इंच डायमीटर का 1 पीस क्लॉथ चाहिए होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि अब इसको हमें आगे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वो शेप हमें काटना कैसे है। उसके लिए हम कोई भी कपड़ा लेंगे, 1 10 बाई 6 का, और उसके बाद एक कार्डबोर्ड भी हमको चाहिए होगा इस तरह से। और इस कार्डबोर्ड पे जो मैंने शेप बनाया है, उसको समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि पहले कार्डबोर्ड पे हमको इसको ड्रॉ करना होगा। तो हम 6 बाई 10 का एक कार्डबोर्ड लेंगे, और ये हमारा 6 है, तो यहाँ पर हम 3 पर सेंटर पर निशान लगाएंगे, और उस पर एक हम लाइन खींच देंगे। फिर यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन देंगे, यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा 3 इंच है, ये 1 इंच है, टोटल 2 इंच आ जाएगा। और फिर यहाँ हमें डाउन पर जा करके 2 इंच डाउन आना है। डाउन आ करके इस तरह से हमें पूरी एक लाइन खींचनी है, 2 इंच इधर 2 इंच इधर। और फिर यहाँ कॉर्नर पर 1 इंच या 1/2 इंच का मार्जिन दे करके ऐसे राउंड में शेप दे देना है। और जो ये 2 इंच डाउन पर आए थे, यहाँ से हमें इस 1 इंच पर इसको हमें जोड़ देना है। तो ये हमारा शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। और फिर इसको हम जो भी पीस है हमारे पास कपड़े के, उन पर ऐसे रख करके और चॉक से ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग के हमको 15 पीस चाहिए होंगे, जो मैंने इस तरह से तैयार किए हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से तैयार किया गया है। और एक हमको 9 इंच डायमीटर का पीस चाहिए होगा, एक 32 इंच बाई 32 इंच का एक पीस चाहिए होगा, और 32 इंच के ही हमें फोम चाहिए होगी। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो ये प्लेन क्लॉथ है, इसको लेंगे, और इसके पहले हम फोम डाल देंगे। सबसे नीचे हमारी फोम रहेगी, इस तरह से फोम रख लेते हैं। इसके ऊपर हम ये जो हमारा प्लेन क्लॉथ है, इसको डाल देंगे बराबर से। इसको पूरा हमें बराबर से डाल देना है, इस तरह से पूरा हम बिछा देंगे। ये हमारा पूरा हो गया। और इसके बाद ये जो हमने 15 पीस जोड़े थे, इसको हम उल्टा करके रख देंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले फोम रहेगी, फिर प्लेन कपड़ा रहेगा, फिर ये जो हमारा पैच वाला कपड़ा है, इसको हम इस तरह से पूरा इस पर अच्छे से बिछा देंगे। और ये जो हमारा बीच का जो सर्कल है, जिसको भी हमें 9 इंच डायमीटर वाले से कवर करना है, इसको भी ऐसे रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको फोम के साथ ही पिन लगा देंगे, जिससे इसको हमें आगे तैयारी करने में सुविधा रहे। और फोम कपड़ा और ये जो
पीसेस हैं हमारे इसमें टिके रहे, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से पिन लगा देंगे। चारों तरफ इसमें इसको पिन कर देना है। अब ये हमारी पिन लग गई है। अब ये जो किनारे के जो पीस हैं हमारे, इस तरह से देखिए, ये इसमें ये सर्कल में हमने पूरा पिन लगा दिया है यहाँ पर, जिससे ये हिले नहीं अपनी जगह से। अब इसको लगाने के बाद हम ये जो हमारे पीस हैं इधर इस साइड जो बाहर की तरफ कलियाँ आ रही हैं सारी, ये जितने पीसेस हैं इनको हमें यहाँ बीच बीच में पिन लगाना होगा। तो यहाँ पर आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी सुविधा पड़े। इस तरह से इसको बाहर की तरफ सारा इसका कपड़ा बाहर की तरफ खींचते हुए, ताकि सिलते समय कोई दिक्कत ना हो और कपड़ा फोम और पैच का जो ये हमारे कपड़े ये बराबर से बैठ जाए। और कुछ दूरी पे लगाने के बाद अब हम इसको सिलना शुरू करते हैं। लगाया है, यहाँ से हम पिन की शुरुआत करेंगे और पूरे में इस तरह से सिलते चले आएंगे। बीच का एरिया अभी हमें नहीं सिलना है, तो यहाँ से हम पिन को हमने ये कपड़े की टेंशन बाहर करते हुए पिन लगा दिया है, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। और बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ इसको सिलना है, क्योंकि नीचे फोम है और कपड़ा भी हमारा ऊपर गोल कटा हुआ है। और यहाँ पर जब पिन ख़त्म हो जाएगी तो ये पिन निकालते हुए इधर आगे बढ़ाते हुए हम काम करेंगे। एक बार की मेहनत है, बाकी ये बहुत खूबसूरत तैयार होगा। अब यहाँ पर हमारी पिन ख़त्म हो रही है, तो जो जहाँ पर सिलाई हो चुकी है बीच की पिन नहीं निकालनी है, बीच यहाँ पर जो सेंटर में हमने पिन लगाई थी उसको निकाल करके हम इधर लगा देंगे, कपड़े का टेंशन बाहर करते हुए। और ये हमारा आखिरी पीस।
पिन लगा के सिलने में हमको कितनी आसानी हो गई, तो आप देखिए। और अब हम इसको निकाल देते हैं, बीच की पिन निकाल देते हैं, अभी सेंटर की पिन नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, पीछे होम पर ये देखिए आपको सिलाई दिखाई दे रही होगी कुछ इस तरह से। तो ये जो सिलाई यहाँ पे हमने दी है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाया था डाउन जा करके, ये सिलाई केवल यहीं तक हुई है। ये इस तरह से, ये देखिए इसका ये फूल इस तरह से बैठा है, और ये यहाँ पर इस तरह से कर दिया गया है, और इसको थोड़ा सा अंदर शार्प किया गया है, और उसी हिसाब से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी पिन नहीं निकालना है इसकी, अब पहले हम कटिंग करेंगे। बहुत सावधानी के साथ एक एक फूल कट करना है। जहाँ पर मशीन चली है वहाँ पर बिल्कुल कट नहीं करना है, जहाँ पर ये कपड़ा है हमारा जो मार्जिन देके सिला गया है वहाँ पे कट करना है, और यहाँ पर जो हम ये हल्का सा कॉर्नर दिया है हमने, यहाँ पर थोड़ा नीचे तक कट करना है। ये इस तरह से बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए बस। ये हमारा पूरा कट हो गया। अब ये जो बीच की पिन है इनको हम निकालेंगे। ये सारी पिन हमें निकाल लेनी है। अब चेक कर लेते हैं कहीं कोई पिन तो नहीं बची है। और अब हम इसको यहाँ पर धीरे से पलटेंगे, ध्यान रहे फोम है फटने ना पाए, इसको हमें पूरा इस तरह से बाहर निकालना है। ये हमारा पलट गया है। अब जो इसके जो किनारे हैं इसको हाथ डाल के इस तरह से सफाई के साथ सब बाहर निकालना है।
तरह से हाथ डाल के पूरा इसको बाहर कर लीजिए। और ये हमारे सारे पीस बाहर आ गए। ये देखिए कितना खूबसूरत अभी से ये लगने लगा है। अब हमारे पास जो 9 इंच डायमीटर का जो पीस था उसको हम लगाएंगे। उसको अब हमें इसके ऊपर इस तरह से लगाना है और ये पीछे पूरा हमारा इस तरह से प्लेन आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हो रहा है। चलिए अब आगे हम काम करते हैं। सबसे पहले जैसे कि पहले पिन लगाया था, अब इसके सारे कोने खोलते हुए इस तरह से सब पीस बाहर कर लेने हैं अच्छे से, कहीं कोई रह ना जाए। सब इसको सारे कोने इसके बाहर, और यहाँ पर कट देने से देखिए कोई भी झोल इस तरह से नहीं आया है। और वापस हम इसमें अब इसको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए यहाँ का जो ये सर्किल है इसको थोड़ा सा ऊपर छोड़ते हुए यहाँ पर पिन लगाएंगे। कपड़े की सारी टेंशन अंदर जाएगी इस तरह से। सिलाई का मार्जिन देते हुए यहाँ पर ऐसे समय वापस पिन लगा देंगे। तो कपड़े की पकड़, फोम की पकड़ और ऊपर जो ये पैच वाला कपड़ा है इसकी पकड़ बनी रहेगी। और ये हमारी पिन लग गई। और ये देखिए ये सारी पिन हमको अब दिखाई दे रही हैं, कोई भी झोल कहीं नहीं है। सिलाई के साथ धीरे धीरे अब ये जो हमारा 9 इंच डायमीटर का जो पीस है इसको हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए इधर और इसको पूरा गोलाई से सिल जाएंगे। पिन लगा देने से काम थोड़ा आसान हो जाता है। कपड़े को इस तरह से सेट कर लीजिए कि कहीं कोई कम ज़्यादा ना हो जाए, कुछ छूटे नहीं। और जिनके पास ज़िगज़ैग है, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन जिनके पास ज़िगज़ैग है वो यहाँ पर अपना ज़िगज़ैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िगज़ैग मेरे पास भी है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सबके लिए काम कर सकूं। अब हमारा ये सिलने का काम शुरू हो गया है। बहुत आराम से सिलिए। पिन निकालते जाना है। Thank you.
राउंड पीस भी लग गया है। अब इसमें हमारा अगला काम है, ये देखिए ये बीच में हमारा राउंड पीस लग गया है। अब इसमें हम क्विल्टिंग करेंगे। क्विल्टिंग करने के लिए आप कोई भी डिज़ाइन पैटर्न कुछ भी ले सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम अभी यहाँ से शुरुआत करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगी। पहले तो ये जो राउंड खींचा है, सॉरी लगाया है, इसके किनारे किनारे एक सर्कल हम बना देंगे। टेंशन 5 नंबर पे रहेगी, बस इसको राउंड राउंड सी दीजिए। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन शुरू होगी। ये हमारा सेकेंड राउंड हो गया। एक तो हमने नॉर्मल सर्कल खींचा, दूसरा ट्रायंगल किया। अब यहीं से हम इस पर दूसरा ट्रायंगल लंबा बनाएंगे इस तरह से। डिज़ाइन बनाने का मतलब यहाँ पर क्विल्टिंग करने से है, तो पीछे भी अच्छा लुक आए इसके लिए कुछ डिज़ाइन करके क्विल्ट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कलियाँ लगी हुई हैं, तो कलियों के हिसाब से उसकी क्विल्टिंग की जा रही है। तो जब हम ट्रायंगल बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कपड़े का जो टेंशन है, जो खिंचाव है, वो बाहर की तरफ जा रहा है, इसीलिए हमने अभी साइड में सिलाई नहीं की है। तो उस हिसाब से भी कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी अपनी एक डिमांड होती है। तो कपड़े की डिमांड है कि उसकी टेंशन बाहर जाए, तभी वो सुंदर आएगा। ये हमारा कुछ क्विल्टिंग हो चुकी है। ये देखिए आपके सामने ये डिज़ाइन दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से। अभी हमें थोड़ा सा काम और करना होगा। अब यहाँ पर हम इसको शेप में क्विल्ट करेंगे।
बाहर की तरफ कपड़ा खींचना है। ये हमारा बाहर का जो बॉर्डर था वो तैयार हो गया। अब इसमें हम सबसे लास्ट में बाहर की तरफ फिनिशिंग देंगे एक चाप की दूरी से। ये देखिए इस तरह से एक चाप की दूरी पर फिनिशिंग देनी है। और ये हमारा सबसे किनारे का भी काम हो गया। अब हमारा केवल काम बचता है बीच का। और ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा दिखाती चलूँगी, पीछे पूरी इस तरह से क्विल्टिंग हुई है। अब हमें बीच में जो क्विल्टिंग करनी है उसके लिए हम सबसे पहले स्केल लेंगे, कोई भी एक सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से, इसमें इस तरह से निशान लगाएंगे। आपके सामने मैं निशान लगा रही हूँ, ये देखिए और ये देखिए। याद होगा बचपन में हम लोग बॉर्डर बनाया करते थे ड्राइंग में, सेम पैटर्न पे इसको हमें बस इस तरह से फ्लावर देते हुए फोल्ड कर देना है इस तरह से, और ये इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जो बीच की जो हमने लंबी लाइनें खींची हैं उसमें क्विल्ट नहीं करना है, जो केवल ये जो पेटल्स हम बना रहे हैं उन पर हमें ड्राइंग वो मशीन चलानी है। एक साथ दो फूल हम बनाएंगे। ये था आज का हमारा टेबल रनर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।